अरे भाई लोग, अभी हम फिर इस वीडियो में मिल रहे हैं आप लोगों के साथ। पीछे वीडियो में हमने पढ़ा था क्रेन का डॉक्यूमेंट्स के बारे में और ऑपरेटर के डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्या क्या होना चाहिए। अभी हमने लास्ट जो अभी पढ़ना है क्रेन का फिजिकल कंडीशन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे पूरा डिटेल कि एज ए सेफ्टी प्रोफेशनल अगर हैं आप तो क्रेन का फिजिकल कंडीशन में आप क्या क्या देखेंगे, तब आपको साइड पे उसको चलने के लिए अनुमति देना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्रेन का फिजिकल कंडीशन जानने के पहले आपको कुछ बातें उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं, हम शुरू करते हैं। अगर आज ए सेफ्टी ऑफिसर आप जाते हैं तो आप क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे। सबसे पहले उसको केबिन में जो ऑपरेटर है उससे केबिन से खुलवा के आप देखेंगे क्या कि जो अंदर में उसका लोड चार्ट लगा है, क्या लोड चार्ट लगा है का। ठीक है, उसको आप देखेंगे, अगर लगा है तो आप सही ओके करेंगे। एक आपके पास चेकलिस्ट होना चाहिए, है ना, उस चेकलिस्ट में आप वो पूरा जो जो आपको डाटा मैं बता रहा हूँ वो मेंशन करके होना चाहिए, और यस है तो यस, नो है तो नो। ठीक है, अगर ये इन सब चीज़ों को फुलफिल नहीं करता है तो आप उसको एंट्री चलने के लिए नहीं दे सकते हो। मतलब उसको आप एज ए सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर या कोई भी सेफ्टी प्रोफेशन आप उसको अथॉरिटी नहीं दे सकते। ठीक है, पहला तो आपको देखना है कि उसमें लोड चार्ट लगा है कि नहीं। फिर नंबर सेकेंड कि आप जो जो केबिन है उसका ग्लास, मतलब जो केबिन केबिन ग्लास जो है कहीं ब्रोकन तो नहीं है। ठीक है, ये भी आपको देखना है। फिर आपको ये देखना है कि SLI जिसको बोलते हैं SLI मतलब सेफ सेफ ऐसे लोड इंडिकेटर उसका कंडीशन में है कि नहीं। कंडीशन में होना ही चाहिए, है कि नहीं, नहीं कंडीशन में होना चाहिए तब आप उसको अथॉरिटी देंगे चलने के लिए, नहीं तो नहीं देंगे। फिर अब देखेंगे, आप देखेंगे कि फिर आप पीछे आ जाएंगे तो उसका आप देंगे कि रिवर्स अलार्म काम कर रहा है कि नहीं। क्यों, इसका कारण ये है कि अगर जैसे ही पीछे मूव करेगी हो तो उसका अलार्म बजना चाहिए, नहीं तो पीछे एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। ठीक है, रिवर्स अलार्म कहे या रिवर्स हॉर्न कहे दोनों एक ही बात है। ठीक है, फिर पांचवा हम बात करें तो उसका लाइटिंग का, मतलब जो हेडलाइट है या बैक लाइट है, है ना, लाइट हेडलाइट बैकलाइट और बूम लाइट, बूम पे भी लाइट होता है, वो आपको भी चेक करना है कि उसका लाइट काम कर रहा है कि नहीं। क्यों, क्योंकि रात को अगर काम कर रहा है मान लो तो उसका आगे वाला भी लाइट सही होना, पीछे का भी सही होना चाहिए, और बूम पे जो होता है वो भी लाइट क्लियर होना चाहिए, ये भी आपको चेक करना है। फिर अगर हम बात करें, अब चलते हम उसके टायर पे, आपको ये भी देख लेना है कि जो आप क्रेन को आप चेक करने जा रहे हो तो उसका टायर का कंडीशन देखोगे, टायर कंडीशन ओके होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर मान लो मूव कर रही है कहीं स्लिप तो नहीं कर रही है। ठीक है, फिर टायर का कंडीशन के बाद आपको ये देखना है कि ब्रेक ब्रेक प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, आपको चेक कर लेना है कि उसका जो ब्रेक है प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। अगर ब्रेक चेक कर लिया आपने, फिर आपको ये देखना है कि जहां पर वो खड़ा होता है, खड़ा होने के लिए उसके दोनों तरफ आउटरिगर होता है ताकि उसको क्या करता है कि लोड को कैरी करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाता है, वो भी आपको देखना है। आउटरिगर आउटरिगर सही कंडीशन में है कि नहीं और वो काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली। ठीक है, और आपको देखना है क्या, आपको आउटरिगर के बाद आपको देखना है लिमिट स्विच। लिमिट स्विच होता है जो कि बूम का लिमिट स्विच होता है, ऑटो कट, मतलब जैसे मान लो कि पहला कि अगर ओवरलोड होता है, क्या अगर ओवर, एक होता है ओवरलोड स्विच, दूसरा हमारा होता है बूम लिमिट स्विच,
लिमिट स्विच, फिर तीसरा होता हमारा एक होता है ओवरलोड, और दूसरा होता है बूम लिमिट, और होता है बूम लिमिट कट ऑफ। कट ऑफ स्विच, ये तीनों स्विच आपको चेक करना होता है। जैसे ही आप मान लो कि कैपेसिटी जिस क्रेन का जितना भी मान लो कि आपका कैपेसिटी है उसका है 10 टन का उठाने का, और कहीं वो अपने लोड से कैपेसिटी से ज़्यादा उठा रहा है तो क्या करता है, वो ऑटोमेटिकली उसको रोक देगा बूम, है ना, उसको जाने नहीं। तो ये स्विच भी मैंडेटरी है, आपको होना चाहिए वहाँ पर चेक करना होगा, ठीक है, एज ए सेफ्टी ऑफिसर। फिर बूम कहीं एक्सटेंड ज़्यादा तो नहीं निकाल रहा है वो भी, ठीक है। फिर वो ऐसा कि मान लो कि ज़्यादा निकाल के फिर उसके कैपेसिटी ज़्यादा उठा रहा है तो भी वो लिमिट क्या करता है, ये स्विच होगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर रोक देगा, क्रेन को उठाने नहीं देगा। तो ये सब भी आपको चेक करना है, है ना। फिर अगर हम बात करें आपका उसका बूम का, एक मिनट, वायर का कंडीशन भी चेक कर लेना होगा, शायद मैंने बता दिया, रोप स्लिंग, वायर स्लिंग, रोप स्लिंग नहीं, वायर स्लिंग, वायर स्लिंग जो होता है उसमें ये आपको चेक कर लेना है, क्योंकि जो वायर से लोड मतलब कि यहाँ से लेके और उसमें पुल्ली के साथ अटैच होता है जो उठाने के लिए, वो भी आपको चेक कर लेना है कि जो उसका वायर स्लिंग है कंडीशन में सही कंडीशन में होना चाहिए, कहीं ऐसा नहीं कि उसका तार उभरा हुआ हो आपने चेक नहीं करा। तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है एज ए सेफ्टी ऑफिसर की कि आप उसको भी चेक करो, ठीक है। वायर स्लिंग का जो उसमें पुल्ली लगा होता है, पुल्ली, ठीक है, पुली लगा होता है उसको भी आपको चेक करना है कहीं डैमेज तो नहीं है। फिर आपको उसमें जो वेट उठाने के लिए होता है उसकी में हुक लैच भी आपको ही देखना है कि उसका हुक लैच, या उसको सेफ्टी लैच भी बोलते हैं, सेफ्टी लैच, ये भी आपको देखना होता है, ठीक है। तो हमने जो जो आपको पॉइंट बताया ये आपको चेक करना होता है, और आपको तब जाके आपको क्रेन को अथॉरिटी देना होता है कि हाँ ये क्रेन कंडीशन में है, चलने लायक है और इसको प्लांट में आप चला सकते हो। तो आपको ये एक सेफ्टी ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। तो मेरे ख्याल से इस दोनों पार्ट के वीडियो से आप लोगों को क्रेन इंस्पेक्शन भली भांति समझ में आ जाएगा। तो अगर काम अच्छा लग रहा है कि हाँ कुछ इन्फॉर्मेटिव है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और जो आपका कमेंट्स है कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।